नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 72 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं। देखो ऐसा है, क्या होता है, हाथ आपने देखा होगा बहुत सारे हाथों में 70, 72, 75 के बाद जो है पिक्चर वैसे भी क्लियर नहीं आती है। नहीं आती, मैंने 68 साल 10 महीने तक इनका हाथ रीड करा था, मुझे इनका इनकी उम्र भी नहीं मालूम थी, पिक्चर साफ़ नहीं आ रही थी। तो जब इन्होंने कहा कि मेरी उम्र 72 साल 71 प्लस है, मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर तो आपको पिक्चर देनी पड़ेगी, फ़ोटो देनी पड़ेगी। फिर मैंने सॉफ्टवेयर को और ओके करा, ठीक है। इन्होंने कहा सर मुझे और कुछ नहीं जानना है, ठीक है, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम जी बस के, ठीक है। अब देखो केवल हेल्थ प्रॉब्लम फिर मैंने बतानी शुरू करी, तो वो उन्हीं समय पर हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। देखो क्या होता है, जब कोई पूछता है, जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अब इस उम्र में मुझे केवल हेल्थ प्रॉब्लम ही पूछना है। एक उन्होंने पूछा मेरा जो है बच्चे का बच्चा जो है वो, उसे कोई बीमारी है वो, उसका पता लग जाए। तो जो साइन दिख रहा था वो मैंने बता दिया। हेल्थ प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस करा है, ठीक है, बता देता हूँ आपको। पहले तो ये लाइन जो है इसे घबराने वाली बात नहीं है। जब भी ये दो लाइनें पैरेलल होती है, इसका मतलब होता है आप अपनी जिम्मेदारियाँ जो है ना वो उठाना शुरू कर दोगे। यानी शुरुआती टाइम पीरियड में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसमें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यानी सपोज़ 19 साल से मैंने यहाँ पर देखा था कि यहाँ से प्रॉब्लम आपके घर पर थोड़ी थोड़ी शुरू होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। ये देखो ये वाला जो साइन कट का निशान आया है ना, ये 19 साल है, ये 20 साल है, तो इसको सीधा करते हैं, यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो रही, ठीक है। ये वाली नालिका रेखा कटती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। ये क्या हुआ, कोई घर परिवार में जो है कोई मेंटल टेंशन आती है या कुछ आती है 19 और 20 में, ठीक। अब ये चीज़ें पकड़ते हैं, देखो समझाता हूँ। ये देखो ये लाइन अपने आप में कोई चीज़ इंडिकेट कर रही है कि मैं यहाँ तक आपकी कोई चीज़ को कंप्लीट कर दूँगी, समझते रहना, इस साल तक कोई चीज़ कंप्लीट कर दूँगी। तो ये इनकी जो स्टडी है वो 24 साल तक कंप्लीट हो जाएगी, ये फिर अपनी उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। क्योंकि तो ये जो साइन बनाया हुआ है इसके नीचे, ये देखो ये 24 है, ये वाला साल 24 है, ये 24 से 25 साल है, ये साइन ऐसे है, ठीक है, ये साइन ऐसे है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसके बाद ये चेंजिंग है। फिर क्या करता है आदमी अपनी प्रैक्टिस को एक जगह से दूसरी जगह पर, ये वो चेंजिंग है। यहाँ मुझे केवल आपका चेक करना था कि कब कब बीमारियों से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, समझते रहना। तो मैंने क्या देखा, 24, 25, 26, 27, इस 27 में मैं जब आऊँगा ना, ये नीचे आऊँगा, तो यहाँ पर ये जो साइन बना है ये एक कट का निशान, यानी आप देख रहे होंगे ये लाइफ लाइन के बीच में एक साइन ऐसे बना दिया था, ये कट गया था ना यहाँ से, ये ट्रायंगल से बचाव हुआ है ना, तो यहाँ बीमारी आ जाएगी, ये बचाव के लिए दिया गया है 27 पर। और सूर्य पर्वत पर भी 27 पर आइसलैंड होगा, देख लेना, फिर ट्रायंगल आ रहा होगा, वहाँ पर भी यही चीज़ें होंगी। तो ये कैसे चीज़ें पता लगती हैं, ये वहीं से तो पता लगती हैं। सूर्य पर्वत को टेस्ट करते हैं, ये रेखा थी 24 साल की, इसे सीधा ले चलो, ये 24, ये देखो 25, 26, ये एक आइसलैंड आया, ये आइसलैंड आया 27, इसी के ऊपर देखना ट्रायंगल, ये देखो ये भी डॉट आया हुआ, ये ट्रायंगल्स बने, तो ये यहाँ पर भी डिस्टरबेंस है। 27 में सूर्य पर्वत पर आइसलैंड आ चुका था, तो यहाँ भी बीमारी आएगी। आपको पता है ये जो साइन बने हुए हैं, ये
ये क्यों बनाए गए हैं? ये ऐसे 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 37 से लेकर 41 साल तक ऐसे क्यों डाला है? ये मेंटल टेंशन है, मेंटल टेंशन मिलेगी वर्क स्टेशन पर, मिलेगी यहाँ पर वर्क स्टेशन पर। 37 से 41 साल, 97 से लेकर 41 साल होता है, 91 तक, 87 से 91 के बीच में, 87 से 91 के बीच में। और उसमें कोई बड़ा, जिनकी उम्र इनसे बड़ी थी, वो व्यक्ति तंग करेगा, वो इनका लैंडलॉर्ड था। क्योंकि उसके बीच में साइन जो बना हुआ था सूर्य पर्वत पर, वो साइन बना हुआ था ऐसे, ए यूं करके यूं, ठीक है, ये देखो, ये देखो। ये यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत मुश्किल पामिस्ट्री होती है। इसमें केवल हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा अलावा कब इनका एस्ट्रोलॉजी में जो है दिमाग किया। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, वहाँ पर वो और यहाँ पर ये होता है थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं। ये 36 से ही शुरू हो गई थी, ये 36 से ही शुरू हो गई थी और ये 41 साल तक रही, यहाँ तक। इनको भी पकड़ा कर, ठीक है, बीमारी को कैसे पकड़ते हैं? ये वाली रेखा आई है, इस पे कट का निशान दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू हुई है ये बीमारी है। ये 57 है, ये 57 है, ये यहाँ पर कट के निशान दिख रहे हैं, ये देखो, ये लाइफ लाइन है ना, ये कट के निशान दिख रहे हैं, यहाँ बीमारी होगी 52 53। आपको पता है ये वाला साइन किसके लिए आया है? मैं यहाँ पर कह रहा था आपके घर पर, वो भी मिसेस के से रिलेशन में कोई किसी की बीमारी ज़बरदस्त आई है। यहाँ इनका इनका साले की डेथ हुई थी 60 साल, 60 से 61 साल। ये प्रॉपर्टी के निशान बने हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन, ये साइन कंस्ट्रक्शन का होता है ना, 62 63 साल। देखो फिर मैंने वाइफ को कैसे ढूंढा, वाइफ को देखो, ये एक साइन था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक यूँ करा ना, किसी को पैसे या हेल्प करना। अब मुझे ये देखना था, यहाँ से ये है 65, ये है 66, यहाँ बीमार हुई होंगी, एक यहाँ बीमार हुई है। उसके बाद देखो ट्रेंगल बना है ना, ये ट्रेंगल बना हुआ है। इसके बाद ये ट्रेंगल क्यों बना, ये प्रॉपर्टी का निशान था, ये परचेज करिए, राहू पर परचेज करिए, ये डिसमेंटल कर दीजिएगा, ये डिसमेंटल कर दीजिएगा। डिसमेंटल का मतलब इसे बेच दे जा 69 70 साल। ये देखो, ये और ये वाइफ ख़त्म, ये वाइफ यहाँ ख़त्म हुई है इस, और ये जो बना हुआ है ये एक्चुअल में ट्रेंगल विद आइसलैंड बना हुआ है, यानी यहाँ तो वो ख़त्म हो गई 72 पर, ये पहले ट्रेंगल बना दिया और उसी पर काला कर दिया। तो इसे लाइटली मत लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, रिकवरी हो जाएगी, लाइटली मत लीजिएगा, यहीं से इंटरकनेक्टेड बीमारी लगेगी। इसका मतलब है आपका बच्चा कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, पहले एक ली थी अब ये लेना चाह रहा है। यहाँ ट्रैवलिंग की रेखा भी आएगी 73 से 74, ये 74 और ये 75, ये कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई न्यूज़ सुनोगे आप भाइयों बहनों से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, इस जगह पर एक न्यूज़ भी आएगी, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का, बच्चे के, ये देखो, ये कट का आइसलैंड है ना, और ये देखो ये जगह चेंज और प्रॉपर्टी, ये है 77 साल। अगर बच्चा या बच्चे का बच्चा बीमार, यानी बच्चों को भी बोल देना और उसके बच्चे को भी बोल, बीमार
और हॉस्पिटल चेंज करा देना, और अगर वो बाहर जाना चाह रहा है एक महीने के बाद, अगस्त के बाद उसे भेजिएगा, एक दो महीने के बाद, ठीक है। यहाँ 77 पर भी आपके बच्चों से रिलेटेड एक रेखा मुझे दिखी है, ठीक है। इसके बाद बीमारी 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 ये जो साइन बनाया है ना, ये वाला, यहीं पर कमजोरी है, यहीं पर कमजोरी। एक ये और एक इसके बाद ये दोनों जगह पर आपकी इंटरकनेक्टेड बीमारियां निकलेंगी, शुक्र और गुरु से रिलेटेड। यानी ये समय है आपका 82-83, यहाँ तबीयत खराब होगी। एक होगी 87-88 पर ऑपरेशन भी होगा, याद रख लीजिएगा, ऑपरेशन भी होगा। और ये बच्चे जो हैं, ये आप उनके पास जाओगे, ये देखो, ये है ना, ये टर्न की रेखा है ना, ये इसी समय पर बीमारी आ रही है, इसी समय के करीब करीब में भी ये टर्निंग होगी। तो आपके लाइफ में जो बीमारी वाला क्वेश्चंस है वही मैंने ज़्यादा कवर करा है इस हाथ में। लेकिन क्या होता है, बनाना सारा पड़ता है, बनाना सारा पड़ता है। ये देखो, ये क्या साइन था, 18-19 में घर पर दिक्कत, ठीक है। ये वाली लाइनों के मतलब होता है पढ़ाई कब तक कंप्लीट, ये रही 23-24 तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ये साइन प्रैक्टिस के, ये रेखा तरक्की की है ना, ये रेखा तरक्की की राहु के हिसाब से है, तो आपने यहाँ पर अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया था, अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई थी। देखो जैसे ये 27 साल पर सूर्य पर्वत कहाँ गया भाई, ये रहा, ये देखो, ये आइसलैंड था ना, ये बीमारी आएगी, ठीक है। ये देखो, ये 37 साल के बाद से यहाँ से मेंटल टेंशन 41 साल तक, तो 87 से 91 के बीच में कौन तंग करेगा वर्क स्टेशन पर, ये बड़ा राहु, राहु, राहु। एक चीज़ 45 साल तक, 45 से फिर थोड़ा सा चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का मन करना, जो मुझे साइन दिखा मैं बताता गया, यहाँ पर ये साइन पर 48-49 में बीमार होना, यहाँ से रेखा निकल रही है ना, बीमार होना 50-51 पर फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत आना, ठीक है। ये 56-57 यहाँ से रेखा आ रही है ना, बीमारी 60-61 बीमारी वाइफ के घर से रिलेटेड, ठीक है। ये जो साइन आया हुआ है, ये है आपका इसके माइंड के बाद से, 52 के बाद से आप अपनी लाइफ में ये दूसरी फील्ड को आजमाओ के। यहाँ तक आपने सोच लिया मैंने इस फील्ड में भी महारत हासिल कर ली है, अब मैं एस्ट्रोलॉजी को करूँगा, मैंने कहा खर्चे नॉट सेटिस्फेक्शन, अब वो आप जो मर्जी समझ लो, मेरे को तो यहाँ पर वो समझ आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा समय ठीक हुआ है, यहाँ पर किसी रिश्तेदार जो बीबी के घर से है उससे रिलेटेड उसे प्रॉब्लम आई होगी 58-59 में। 60-61 मैंने लिखा है काम को यहाँ नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद 61-62 में थोड़ी सी परेशानी आएगी, ठीक है। वाइफ से रिलेटेड ये देखो 62-63 में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये है 65-66 में बीमारी, यहाँ उसकी बीमारी बड़ी थी, 68 से 68 साल के बीच में प्रॉपर्टी ले गई थी, 69 और 70 ये राहु पर आ चुकी है, ये यहाँ आकर कट का निशान, ये ख़त्म। और इसी के साथ ट्रेंगल प्लस राहु, तो आपको अगस्त से लेकर 6 महीने और अभी ध्यान रखना है, ये ऑपरेशन भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये बेटे ने कोई जगह चेंज की होगी 68-69 पर, उसके बाद उसने प्रॉपर्टी ली होगी 69 से 70 साल के बीच में, ये रही, ठीक है। इसके बाद ये साइन बना हुआ है, अब एक और प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, कोई शिफ्ट होना चाह रहा है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये बच्चा है ना, 73 से लेकर 73 साल 11 महीने तक,
उसे कहा रजिस्ट्री करा लेना 74 और 75 के बीच में। देखो ये साइन है ना, बड़ा बुजुर्ग आदमी, यहाँ से दोबारा बनाया हुआ ये साइन, बड़ा बुजुर्ग आदमी, वो बुजुर्ग ही होंगे ना, भाई बहन जो होंगे उनके घर से, तो वो बीमार पड़ेगा, न्यूज़ सुनोगे आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आ जाओ आप, फिर मैंने लिखा है बच्चा और बच्चे का बच्चा, ये यहाँ पर गलत है ये साइन, रुकवा दीजिएगा। अगर वो कहीं जाना चाहे, यहाँ पर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना, वो जगह चेंज करना चाहता है तो उसे थोड़ा सा 1-2 महीने बात करवाना। 82-83 में इंटरकनेक्टेड बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, ये बीमारियाँ सारी शुक्र और गुरु की लगेंगी, उसके बाद ऑपरेशन होगा 687-88 पर। तो आपकी तबीयत जो है 81 साल 10 महीने के बाद से ज़्यादा ख़राब होगी और फिर बच्चे अपने पास रखना चाहेंगे, ठीक है। तो ये देखा तो सारा ही था, लेकिन आपने कहा कि मुझे केवल वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ें वहाँ पर है। आपने कहा सर मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चली है, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अगर टेंशन नहीं थी तो मैंने कैसे पकड़ लिया कि इस समय पर आप मेंटल टेंशन से गुजर रहे थे, कारण वर्क स्टेशन पर। तो आदमी कहता है अरे हाँ वो तो मुझे लैंडलॉर्ड तंग कर रहा था ना या कुछ। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं, आप लोग भूल सकते हो लेकिन एडवांस पामिस्ट्री में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। अब मुझे साइन दिख रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, क्या होता है आदमी थोड़ा सा जब कमाना शुरू कर देता है, जो थोड़ा सा अच्छा होता है ना, तो याद रहते हुए भी कहता है मैं सोच के बताता हूँ। याद रखना ऐसे लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। अभी एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपना प्रॉपर्टी का काम करूं या ना करूं, मैंने कहा जगह चेंज करोगे, पुराने वाले जगह से भी आप अपनी अपनी जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो काटते हुए मिलोगे। तो उन्होंने कोई रेमेडीज़ नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं करा, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में मैं यही करता रहूँगा। बीमारियों से रिलेटेड आपको रेमेडीज़ लेनी ज़रूरी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो खुद ही एस्ट्रोलॉजर हैं, अब ये एस्ट्रोलॉजर हैं मैंने तो दे दी, लेकिन क्या ये करेंगे? क्योंकि इनका माइंड जो होगा अपने दिमाग के हिसाब से, वो एस्ट्रोलॉजी में कहेंगे ये अरे यार इसे क्या पता है यार, अगर नहीं पता तो बीमारियाँ कैसे पकड़ ली। तो फिर रेमेडीज़ भी आपको लेनी है ना उसकी, रेमेडीज़ भी तो लेनी है उसकी। तो यहाँ पर ये मत सोचो कि हमें एस्ट्रोलॉजी आती है, हम किसी की बात मानेंगे क्यों, हमारी तो उम्र भी बहुत बड़ी है, लाइफ देखी है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे से एनालिसिस करा रहे हो और मेरी बातों को इग्नोर करोगे तो फिर वो क्या होगा, अभी तक जैसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा, आपने उसे बदलना है। ये बड़ा व्यक्ति का साइन था, राहु लिख दिया था, 41 साल तक लिखा था, देखो बात निकली ना 87 से 91 के बीच में। तो ये साइनों को पकड़ो, इस पामिस्ट्री को लेके आओ, बहुत अच्छी पामिस्ट्री है, इसमें सब कुछ भी निकलता है। लेकिन इनका पूरा कंसंट्रेशन बीमारी पर था, क्योंकि उम्र अब हो चुकी थी तो ये पूछना चाह रहे थे कि मेरी उम्र कितनी है। तो पहले पिक्चर साफ नहीं आई, मैंने कहा ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बाद दे भी नहीं पाए थे। एक ही फ़ोटो आई थी, मैंने कहा मैं और सॉफ्टवेयर को लगाता हूँ फिर मैं करता हूँ, तो मैंने तब करा था। तो रेमेडीज़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आ गई एक शुक्र की और एक गुरु की, क्योंकि शुक्र क्या कर रहा है, गुरु को पकड़ के बैठा हुआ है, शुक्र गुरु को पकड़ के बैठा हुआ है और यही दोनों बीमारियों को बढ़ाएगा। डन। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इनकी इम्पोर्टेंस होती है, इनकी इम्पोर्टेंस होती है, इन चिन्हों की इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ से लेकर यहाँ बढ़ जाएगी बीमारी, यहाँ से लेकर ये वाइफ के घर पे कोई 61 में, मैंने कहा वाइफ के घर में सर साले की डेथ हुई थी, वाइफ को कैसे पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, ये ख़त्म, ये ऑपरेशन, ठीक है, ये घर, ये भी घर था, ठीक है। ये देखो ना, मैंने तभी तो कहा बच्चा जो है क्या 67 पर
के बाद ये देखो, ये देखो, कोई घर लेना चाह रहा था 69, ये यहाँ 68-69 पर बच्चा। तो ऐसे साइनों को पकड़ो, ठीक है। आप कहते हो कि मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ गई है, मैंने पेन डार्क कर रखा है, मैं कैसे मान लूँ कि स्मूथ गई है? आप वो काम, ये ट्रेंगल्स की वजह से आप बचे हुए थे, लेकिन यहाँ जगह चेंज नहीं कर रहे क्या? ट्रैवलिंग नहीं कर रहे क्या? ये जगह चेंज नहीं हुई क्या? ये जगह चेंज नहीं हुई क्या? आपने अपनी क्लिनिक चेंज नहीं करी क्या? जो चीज़ें हुई हैं उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, जहाँ डार्क पेन बना है, भूल कैसे गए? ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, भूल कैसे गए? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है, मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चली, नहीं कह सकता मैं, मेरे मुंह से नहीं सुनोगे। जो साइन जैसा है, इसका मतलब आइए आप भूल चुके हो। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो अगर मैं उनसे कहूँ ना, अरे ऐसा इतनी तो होती रहती, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा होता है, समझते रहो। और ऐसा साइन बना है और वहाँ पे ट्रेंगल्स नहीं बने हुए वहाँ, फिर वो रो पड़ता है, फिर कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, फिर वो सही। जब ये डार्क बना दिया है तो परेशानियाँ आएंगी, जब मैंने यहाँ राहु लिख दिया है तो आएगा। फिर आप लाइटली ले रहे हो, सर वो तो थोड़ा बहुत वैसे ही तंग हुआ था मैं, ये हाँ हाँ ठीक भाई, मैं तो बोलूँगा ना, मैं तो बोलूँ हुए थे, भूल गए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।